5 अगस्त को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण में भूमि पूजन में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की पावन मिट्टी को भूमि पूजन में डाली जाएगी, जिसके तहत बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और गोरक्षनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं संख ध्वनियों के बीच विश्व हिंदू परिषद के युवा विंग और बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी को मंदिर की पावन मिट्टी को सौंपा, जिसको विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की पवित्र मिट्टी को कलश में लेकर मंदिर से रवाना हुए। जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि देश भर में फैले राम भक्तों की आस्था का ख्याल रखते हुए परिषद ने सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी और पवित्र जल को अयोध्या में मंगवाया जा रहा है, जिसके क्रम में गोरक्ष प्रांत में आने वाले देवरिया के देवरावा बाबा आश्रम, बलिया के महर्षि भृगु आश्रम, संत कबीर नगर के मगहर आश्रम और बस्ती के मखौड़ा धाम की मिट्टी भी अयोध्या पहुंचाने का अनुष्ठानिक कार्य संपन्न किया जाएगा। उसके बाद मिट्टी को कार्यकर्ताओं का दल अयोध्या लेकर जाएगा, जहाँ मिट्टी निर्माणाधीन मंदिर की नींव में डाली जाएगी। गौरतलब है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में गोरक्षनाथ मंदिर की अहम भूमिका रही है। मंदिर के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी ही अगुवाई में राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दिया गया। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ व वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होने वाला है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी व विश्व हिंदू परिषद के दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जहाँ परेशानी है वहाँ मिले दूर से बनाइए आए ऐसा बनाना चिंता नहीं है। जय गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, जय राम जन्मभूमि की, जय गोरक्षनाथ भूमि की, बोले गुरु गोरक्षनाथ भूमि की, बोले धरती मैया की, बोले धर्म सब कुछ महाराज की, जय गंभीरनाथ जी महाराज की, पूज्य दिव्यनाथ जी महाराज की, पूज्य संतों की, पूज्य संतों की, पूज्य संतों की, माता की, भारत माता की, जय श्री राम जय श्री राम।
गुरु गर्भ भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य अवधनाथ जी महाराज की, पूज्य अशोक सिंघल की, पूज्य अशोक सिंघल की, श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम की बोला गुरु गोरक्षनाथ भगवान की उच्च योगी आदित्यनाथ जी महाराज की उच्च योगी आदित्यनाथ जी महाराज की उच्च अवधनाथ जी महाराज की दिग्विजयनाथ जी महाराज की जावेदनाथ जी महाराज की खुद जावेदनाथ जी महाराज की खुद जावेदनाथ जी महाराज की हर हर महादेव इन लोग ले लेने दिए लोग ले लेने भाई लेकर के सलाह की मंदिर की किस तरह का फसे दिन होगा ऐसा भगवान ने बहुत सहाय किया है और ये मंदिर स्त्री से गहरी भावना जुड़ी हुई है राम जय श्री 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 राम जैसा कि आप सबको जानकारी है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 5 तारीख को राम मंदिर निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना है और इस कार्य निर्माण कार्य में पूरे भारतवर्ष से जो प्रमुख स्थान हैं जितनी नदियां हैं प्रमुख नदियां और सातों पुरियों के की मिट्टी आनी थी इसमें गोरक्ष प्रांत में जो स्थान पड़ते हैं जैसे मईल में देवरहवा बाबा का स्थान गुरु गोरक्षनाथ का स्थान भृगु आश्रम इन सब स्थानों से हम लोग ये मिट्टी इकट्ठा करके वहाँ के न्यू में डालने के लिए भेज रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आज मिट्टी लेने आए हैं और ये परम सौभाग्य का विषय है कि ऐसा मंदिर जिसका पूरा इतिहास जुड़ा रहा है राम मंदिर आंदोलन से और इसकी मिट्टी हम लोग को लेने के अवसर यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हम लोग आज यहाँ मिट्टी लेने आए हैं और ये मिट्टी कल या परसों जो है अयोध्या जी निकल जाएगी। निश्चित तौर पे ये आपके गोरखनाथ मंदिर की तीन तीन पीढ़ियों पीठाधीशों की तीन तीन पीढ़ियों ने यहाँ पे सारा अपना समय लगाया और उनकी आंखों में एक ही सपना रहता था। हम लोग परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के आशीर्वाद में रहते थे तो वो हमेशा बात किया करते थे जब यहाँ पे आते थे हमारे अशोक सिंघल जी तो हमेशा वो बात किया करते थे कि कब राम जन्मभूमि का निर्माण होगा कब इतना जल्दी निर्माण प्रारंभ हो। तो ये एक बहुत बड़ा समय है और ये जल्दी ही हम लोग के बीच में आ गया है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत सारा हिंदू समाज आंदोलित है और ये बहुत खुशी का पल है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये सूचना मिली है कि गोरखनाथ पीठ की धरती की मिट्टी अयोध्या राम जन्मभूमि के भूमि न्यू में रखा जाएगा। उसके अनुसार यहाँ से मिट्टी विश्व हिंदू परिषद के लोग आज यहाँ ले जाएंगे, उनको हम मिट्टी प्रदान करेंगे। भगवान गोरखनाथ जी का यह पवित्र तीर्थस्थल है, उनकी तपस्थली है। हजारों वर्ष महायोगी गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या करने पधारे थे त्रेता युग में। इस नाते यहाँ के धरती का मिट्टी अयोध्या जाएगा, वहाँ मे में डाला जाएगा। 3 अगस्त को क्या है? 3 अगस्त को से ही यहाँ पर राम दरबार में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है जो 5 सितंबर 5 बजे तक चलेगा। अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, दीपोत्सव किया गया है। उस दिन 5 अगस्त को दीप प्रज्वलित किए जाएंगे जगह जगह सभी मंदिरों में अन्य देवस्थान पर। ये आयोजन